वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है इमोशंस ऑफ साइकोलॉजी में ही, जहाँ पे हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे। बुद्धिज़्म फ़िलोसफी जो है वो बहुत ही पुरानी फ़िलोसफी है, और सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक एस्थेटिक रिलीजन है। एस्थेटिक रिलीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी गॉड की बात नहीं की गई है, बिकॉज बुद्धा हिमसेल्फ वॉज नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनी गॉड। तो यहाँ पे हम निर्वाणा की बात करते हैं, यहाँ पे हम अनाथ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम किसी भगवान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धिज़्म जो है वो बेसिकली गौतम बुद्धा ने फाउंड किया था, और जब गौतम बुद्धा पैदा हुए थे उस टाइम पे उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जो कि शाक्य ट्राइब के प्रिंस रह चुके थे। और जब वो 29 ईयर्स के थे, तब उन्होंने अपने महल को, अपने सारे घर को छोड़ के ये डिसाइड किया कि अब उन्हें सन्यास की ओर जाना है, क्योंकि वो खुद कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहे थे जहाँ पे परेशानियाँ हों, जहाँ पे उन्होंने किसी तरीके का कोई दुख देखा हो। वो हमेशा से ही अपने महल के अंदर रहते थे, बट एक दिन जब वो अपने महल से बाहर निकले, तब उन्होंने वहाँ कई तरीके की ऐसी चीज़ें पहली बार नोटिस करी, ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें देख के उन्हें लगा कि शायद मुझे भी जो भी सफ़रिंग्स हैं इस दुनिया की उनको जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। और जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई, उसके बाद ही हमारा बुद्धिज़्म के स्कूल्स का डेवलपमेंट भी लोगों ने किया। तो आगे हम उन्हीं को ही पढ़ते हैं। ओके, सो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें, तो इनिशियली जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको एक यूनिफाइड तरीके से देखा जाता था, समझा जाता था, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स आने लग गए मॉन्क्स के और उनके फॉलोअर्स के बीच में। और उन्होंने रिज़ल्ट ये निकाला कि उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को ही तीन स्कूल्स में डिवाइड करा, त्रिवाडा बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म एंड वज्रयान बुद्धिज़्म। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज़ जनरली इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले आते हैं हम त्रिवडा बुद्धिज़्म पे, दैट इज़ इसको हम हीनयान भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सबसे पुराना बुद्धिज़्म का स्कूल है वो हमारा त्रिवडा स्कूल ही है। और इसका फोकस यही है कि आपको अपनी सफ़रिंग्स को किस तरीके से एंड करना है। और इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको निर्वाणा की प्राप्ति करनी है, तो आपको एक मॉन्क बनना पड़ेगा, आपको एक नन बनना पड़ेगा, यानी कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि सिर्फ एक ही पाथ है एनलाइटनमेंट का, और उसी पाथ पे चल के आप निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो पाथ उन्होंने क्या बताया है कि आप एक संन्यास की तरह रहें, आप संन्यास ग्रहण करें, और फिर आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। और बेसिकली हम ये मान के चलेंगे कि ये एक इंडिविजुअल पाथ की बात करता है, ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो निर्वाणा की प्राप्ति अपने लिए करेगा, खुद से करेगा, और उसका जो उसको फॉलो करने का जो पाथ होगा वो उसका अपना खुद का होगा, इंडिविजुअल का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचिंग्स थी जो भी बुद्धा की वो फॉलो करते हैं, इनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं। फिर आते हैं हम महायाना स्कूल पे, जिसे हम ग्रेट व्हीकल के नाम से जानते हैं। और ये इनकी टीचिंग्स ये बताती हैं कि आपको दूसरों की भी मदद करनी है एनलाइटनमेंट पाने के लिए, निर्वाणा की प्राप्ति के लिए आप दूसरों की भी मदद करेंगे। ये थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट अप्रोच है, और वहीं दूसरी तरफ ये कलेक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आप अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके भी निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हो, दूसरों की भी आप हेल्प करो कि वो एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये बोलते हैं कि आपको वहाँ तक पहुंचने के लिए मॉन्क या नन बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हों, जो भी हो, किसी भी स्टेट में हो, आप उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है वज्रयान बुद्धिज़्म, जहाँ पे जिसको हम वे ऑफ डायमंड भी कहते हैं, और ये महायान की काफ़ी सारी टीचिंग्स को ही शेयर करते हैं। लेकिन मेन इसका मानना ये है, इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है, ये ऐसा बोलते हैं कि जो मेडिटेशन होता है वो काफ़ी स्लोअर प्रोसेस है, उससे बेटर ये है कि आप मंत्रास को चैंट करो, आप कुछ तांत्रिक क्रियाएं करो जिनकी हेल्प से आप निर्वाणा को प्राप्त जल्दी कर सकते हो। निर्वाणा जो है वो इसी सिंगल लाइफ में आपको मिल जाएगा, ये बेसिकली हमारी वज्रयान की टीचिंग्स हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे अंदर,
जो हमें स्पेशली पूछा जाता है हमारे MCQs में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट PYQ भी है, कि चार स्टेजेस बताई गई हैं निर्वाणा की को अटेन करने की, लेकिन ये किस में बताई गई हैं, ये त्रिवड़ा या हीन यान स्कूल में बताई गई हैं। और ये चार स्टेजेस जो हैं इसको हमने सूत पिताका में भी डिफाइन किया है। सूत पिताका जो है वो इनकी स्पिरिचुअल बुक है। तो इन्होंने बोला सबसे पहले इंसान जो है कोई भी वो सुतापना में एंटर करता है। सुतापना मतलब एक फर्स्ट स्टेज जहाँ पे वो अपने आप को रेडी कर रहा है कि हाँ ठीक है मुझे अब इस बात पर चलना है, मुझे निर्वाणा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है सकटगामी। सकटगामी में कहीं ना कहीं वो बीच बीच में थोड़ा सा अटैच होना स्टार्ट कर देता है अपनी प्रायर लाइफ से, और उसे फील होने लग जाता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मैं गलत स्टेप में आ गया हूँ या शायद मुझसे ये चीज़ फॉलो ना हो। बट फिर भी वो स्टेज में बना रहता है। थर्ड स्टेज आती है हमारी अन्नगामी की। अन्नगामी में वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक और अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। एंड लास्ट स्टेज होती है हमारी अरहंत की, जहाँ पे फाइनली उसे उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फाइनली वो निर्वाणा तक पहुँच जाता है।